नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर स्वागत है। अभी बिहार चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया कंप्लीट। जी बिल्कुल, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कंप्लीट हो चुका है। आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा, उससे पहले आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब खबर की ओर। जी हाँ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस जो दो तीन दिन से मेहनत कर रही थी, आरजेडी से भाव खा रही थी ज़्यादा सीट के लिए, उनका मेहनत यहाँ रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पे 68 सीट मिली है। जी हाँ, कांग्रेस को 68 सीट मिली है, वहीं सीपीआई माले को 19 सीट, या 19 सीट सीपीआई माले को मिली है, और सीपीआई एंड सीपीआईएम को 10 सीट, यानी 10 सीट सीपीआई एंड सीपीआईएम को मिली है, और वहीं शेष बचे 146 सीट आरजेडी के खाते में गई। जी बिल्कुल, शेष बचे 146 सीट आरजेडी के खाते में गई, और आरजेडी अपने हिस्से से ही वीआईपी पार्टी को टिकट देगा। जी बिल्कुल, ये आप सही सुन रहे हैं, आरजेडी अपने हिस्से से ही वीआईपी पार्टी को टिकट देगा, और वीआईपी पार्टी को जितना भी सीट मिले उस पर वीआईपी पार्टी लड़ेगी। तो यहाँ महागठबंधन में सब कुछ अब सही हो चुका है, सीटों का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। वहीं एनडीए की बात करें तो एलजेपी चिराग पासवान 42 सीट से कम नहीं लेगी अड़े हुए हैं, और एनडीए से 27 सीट दे रही, तो पता नहीं क्या होगा एनडीए में। लेकिन कल चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो आप लोग को ये जानकारी दी। अगर आप